शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर गावस्कर ने अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और फिर कट कर दिया चार के लिए। कमेंट्री की तरफ कब झुका हुआ लगा कि ये चीज की जा सकती है? मुझे याद है कि बचपन में मैं क्रिकेटर ही बनना चाहता था। मैंने अपने पिताजी को कहा कि मुझे बम्बई जाना है टेस्ट मैच देखने। हम पिता पुत्र 4 दिन तक ब्रेबोन स्टेडियम के चक्कर काटते रहे। अंदर जाकर देखा तो जिन लोगों को फोटो में इकट्ठे किया करता था वो सब देख रहे थे। मुझे लगा कि सितारे ज़मीन पर उतर आए। तभी मेरी दृष्टि ऊपर की तरफ गई जहाँ कमेंट्री बॉक्स था। मुझे इतनी अद्भुत जगह लगी, मन में एक इच्छा सी उठी कभी यहाँ बैठने का मौका मिलेगा। और देखिए कई बार मैं कहता हूँ ना, जंगली सपने भी कैसे सच होते हैं। बीसीसीआई लगातार किसी प्लेयर को कह रहा है कि रणजी खेलो, वो नहीं खेल रहा। क्या इससे पहले भी कभी आपने ऐसा कोई इंस्टेंस याद आता है? जिस घरेलू क्रिकेट की सीढ़ी चढ़कर आप इतना ऊंचा पहुंचते हैं, धनाढ्य हो जाते हैं, शोहरत मिलती है, सब कुछ जीवन में मिलता है, आप उसी सीढ़ी को काट देना चाहते हैं, ये उचित तो नहीं। जब आकाशवाणी ने शुरू की हिंदी में कमेंट्री, बड़ी गालियां पड़ी थी। लोग कहते क्या करा रहे यार, ये भी कोई काम है करने का। कुछ हिंदी वाले भी ये प्रश्न उठा रहे थे कि साहब इनको तो पूरा ही हिंदी में करनी है तो पूरा ही अनुवाद करिए। स्क्वायर लेग को वर्गाकार पैर कहिए या फिर सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए। सनी पाजी के कई सारे किस्से। एक दफा जब इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट था, लाहौर में हम लोग गए कमेंट्री कर रहे थे और मैं बाहर खड़ा था, सनी भाई खड़े थे पास में और फतेह सिंह राव गायकवाड़ खड़े थे। उन्होंने सनी भाई को मुलाकात कराई उनसे कि ये सुनील गावस्कर हैं, भारत के सबसे बड़े ओपनिंग बैट्समैन, आप तो इनको जानती ही होंगी। बोले जी नहीं, मैं तो इनको नहीं जानती, मैं तो जानती हूँ ज़हीर अब्बास और इमरान खान को। थोड़े चकपा का गए गायकवाड़ साहब। तब उन्होंने इनको बोला कि आप तो जानते ही होंगे, ये मल्लिका ये तरन्नुम नूरजहां है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो नहीं जानते, हम तो लता मंगेशकर को जानते हैं। अच्छा, एक बड़ा दर्द है, 2013 के बाद से एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं आई। आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है इसका? ये सही बात है कि 2013 के बाद आईसीसी ट्रॉफी हमने नहीं जीती है। एक तो अच्छी बात है कि हम फाइनल तो खेलने लगे। बुरा नहीं मानना चाहिए, अगर नहीं जीते कोई बात नहीं। भारत में देखिए हम 10 मैच जीते थे, फाइनल हार गए। फाइनल एग्जाम होती है, उसके प्रेशर से अलग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को उसकी आदत है और वो जीत गया।